गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल इंजीनियरिंग विद हैरी। आज देखने वाले AI का एक मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज POP पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग इन AI। ये सवाल भी एग्जाम में हर बार आता है, कभी इंटरनल में आएगा या एक्सटर्नल में, और बहुत बढ़िया और सिंपल टॉपिक है, लेकिन 5-10 मार्क के लिए हमेशा आता ही आता है। ये AI के पेपर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज POP, ये फ्यूचरिस्टिक एल्गोरिथम और हिल क्लाइंबिंग। ये 2-3 टॉपिक्स ऐसे कि हर बार आते ही आते हैं। तो चलो शुरुआत कर दे, व्हाट इज POP, पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग होता क्या है। तो सबसे पहले भैया ये बात समझ लो कि कोई भी ऐसा अल्गोरिदम जो एक सेट ऑफ एक्शंस को बिना ये बताए कि पहले एक्शन कौन सी आएगी उसको एक सीक्वेंस में रख सकता है। सपोज ये इधर एग्जांपल है, देखो इसमें क्या किया है मैंने, स्टार्ट से लेके एंड तक ये मेरी कुछ सेट ऑफ एक्शन है, और इसमें से अगर मैं पहले लेफ्ट सॉक्स पहनू या राइट सॉक्स पहनू कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बिना यह बताए कि अल्गोरिदम में पहले एक्शन कौन सी आएगी, और उस अल्गोरिदम में यह डिफाइन नहीं किया गया कि ये जो सपोज 5 सेट ऑफ एक्शन है ABCDE, तो उसमें से ए के बाद बी आएगा या सी आएगा, ये बिना डिफाइन किए अगर उस सेट ऑफ एक्शंस को एक सीक्वेंस में अल्गोरिदम डाल सकता है तो उसको अपन बोलेंगे POP, दैट इज पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग। मतलब ये एक ऐसा अल्गोरिदम या प्लानिंग है जिसमें ये बताया नहीं गया कि पहला कौन सा है, तो इससे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फिर एनवायरमेंट जैसा है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यूअसली चेंजेस अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बताया नहीं गया ना कि पहले कौन है, ये आपको पहले डिफाइन नहीं कर रहा है। सो आप सेट ऑफ एक्शंस को एक अलग अलग सीक्वेंस में रख सकते हो, किसमें, पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग में। तो चलो देखते हैं होता क्या है, और ये एग्जाम्पल है और ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, यही याद रखो एग्जाम्पल के लिए एकदम आराम से हो जाएगा। सबसे पहले इधर आता है सेट ऑफ एक्शंस, मेरे पास सेट ऑफ एक्शंस क्या क्या है, स्टार्ट है, फिर लेफ्ट सॉक्स, राइट सॉक्स, लेफ्ट शूज, राइट शूज एंड एंड, सो टोटल आया 6 सेट ऑफ एक्शंस। फिर आता है सेट ऑफ प्री कंडीशन, तो भैया प्री कंडीशन होता क्या है, पहले ये समझ लो, आप बिना सॉक्स पहने डायरेक्ट शूज पहन सकते हो नहीं, तो इधर सेट ऑफ प्री कंडीशन कौन सी होगी कि स्टार्ट के बाद व्हेन आई वेयर ए लेफ्ट सॉक्स तो उसके बाद ही आएगा लेफ्ट शू, तो लेफ्ट सॉक्स के बाद आता है लेफ्ट शू, ये हो गई एक सेट ऑफ प्री कंडीशन। और एक सेट ऑफ प्री कंडीशन कौन सी बन सकती है, स्टार्ट के बाद देखो राइट सॉक्स एंड देन राइट शू, सो राइट सॉक्स एंड देन राइट शू, दिस इज आल्सो सेट ऑफ प्री कंडीशन। अरे प्री कंडीशन, प्री मतलब क्या, पहले, और कंडीशन तो पहले एक कंडीशन होने के बाद ही दूसरी, इट मीन्स दैट आफ्टर एक्स देन ओनली वाई, अगर लेफ्ट सॉक्स पहना तो लेफ्ट शूज पहनोगे, दैट इज सेट ऑफ प्री कंडीशंस। तो इस एग्जांपल में टोटल कितने सेट ऑफ प्री कंडीशंस है, देयर आर टोटल 2 सेट ऑफ प्री कंडीशंस, तो सेट ऑफ एक्शंस हो गए सेट ऑफ प्री कंडीशंस। और इधर होता है सेट ऑफ कैजुअल लिंक्स, तो कैजुअल लिंक्स क्या होता है वो एक बताता हूं, देखो सेट ऑफ कैजुअल लिंक्स क्या होता है कि सपोज मेरा ए एक्शन है, ए पे मैंने एक एक्शन ली और फिर इधर सपोज बी, तो ये डिपेंड कैसे कर रहा है वो देखो। चलो एक एग्जांपल देते हैं, सपोज मैंने एप्पल लिया, आई हैड बाय एन एप्पल, ओके, अब अगर मुझे एप्पल खाना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, उसको कट करना होगा, तो मैंने एप्पल बाय किया, वो कट करने के बाद मैं उसको खा सकता हूं, तो ये क्या हो गया सेट ऑफ कैजुअल लिंक्स। ए पे मैंने एक्शन ली एंड देन आई एम गेटिंग B. When you take the action on A, then you are getting the B. इसको क्या बोलते हैं? Set of casual links. तो आप लोग समझे set of action, set of preconditions and set of casual links. अभी इधर और एक होता है, that is set of open preconditions. Set of open preconditions या फिर set of open conditions भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये क्या होता है? ये समझ लो। ये चीज क्या है? कि कुछ ऐसे कंडीशंस या फिर सेट ऑफ कंडीशंस जो आपके ये जो अल्गोरिदम या फिर ये जो प्रॉब्लम दिया गया है उससे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो उसको आप लोग बोलोगे सेट ऑफ ओपन कंडीशन या प्री कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन है जो ये सब चीज से सेटिस्फाई नहीं हो रही, कभी प्रूव ही नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे सेट ऑफ ओपन कंडीशन। तो आप लोग समझ गए, दैट्स ऑल POP। और कभी भी आकर ये आए तो एग्जाम्पल ये देना, और दूसरी चीज मैंने जो पहले डेफिनेशन बताई थी वो याद रखो, कोई भी ऐसा algorithm, any type of algorithm that can specify a set of conditions without specifying which will come first can be
completed or hence known as POP, that is partial order planning. Thanks guys, please like, share and subscribe our videos. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में डालना, आपका भाई जरूर सॉल्व करेगा.